का यहां नाटक, जो मेहमान हमारी आई है वो किसी भी पार्टी की हो सकती है, किसी भी दल की हो सकती है, उसके साथ में आप इस तरीके की जो वारदात करते हो, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी को इस प्रकार से मेहमान के रूप में आने के बाद में इस प्रकार से आप लोग प्रदर्शन, बोंडा प्रदर्शन कर रहे हो, ये शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा ये उजागर करती है कि ये ऐसे लोगों की पार्टी है जो अपने प्रदेश में, अपने देश में जो मेहमान होते हैं उनके किस प्रकार से ये लोग बाग उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो शब्द मेरे पास में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर राजनीतिकरण करना और राजनीतिकरण करके ओछी मानसिकता का परिचय देना, मैं समझता हूं ये किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। जो घटना घटी बहुत ही शर्मनाक और दुखद है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सरकार की तरफ से सहायता मिल सकती है वो दी गई है, और इसको, घटना को, दोषियों को अंजाम तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाएगा। पहले भी अलवर में इस प्रकार की एक घटना हुई थी, कोर्ट ने कुछ ही दिनों के अंदर, हमने सजा दिलवा करके कोर्ट के द्वारा उनको सलाखों के पीछे किया जाएगा। ये पूरी तरीके से मानवीय कृत्य है, इस कृत्य को कोई सही नहीं ठहरा सकता, इससे बड़ा घृणित कृत्य कोई हो नहीं सकता। लेकिन इसको लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना उस घटना से भी ज्यादा घृणित का है।